का स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। थोड़ी एनर्जी तेज है आज। बात करूंगा सरदार मिल्खा सिंह की। इस वीडियो के बाद जिंदगी में आपका फोकस कभी घटेगा नहीं। याद रखिए, सरदार मिल्खा सिंह कोई रेस में तेज नहीं थे, वो भागते तेज नहीं थे। उनकी सफलता का कारण था उनके पास ना हर बार कोई ना कोई गोल था। पहली बार सरदार मिल्खा सिंह क्यों जीते, इसलिए नहीं जीते कि भागते तेज थे, इसलिए जीते क्योंकि उनको दूध का ग्लास चाहिए था। कोच बोला उनको, ओए फटीग माफ हो जाएगा और एक्स्ट्रा डाइट के लिए बड़ा ग्लास दूध का मिलेगा। रेस में भाग नहीं पा रहे थे, पेट में दर्द हो गया, नीचे गिर गए। दोस्त बोला, ओए भागो और दूध मिलेगा। ओ दूध 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 दूध। दिमाग में ना एक क्लियर फोकस आ गया था। ये फोकस बड़ी कमाल की चीज है जी। फटीग छोड़ कर में दूध मिलेगा, दूध। जिधर आपका फोकस है आप वही बन जाते हैं। जहां आप फोकस करते हैं, जैसा फोकस इज योर लाइफ। बिल गेट्स बोलते थे, मेरी सफलता का कारण क्या है, मैंने बड़ी कम चीजों पे फोकस किया। और उसके बाद दूसरी बार रेस इसलिए नहीं जीते कि भागने में तेज थे, इसलिए जीते क्योंकि उनको इंडिया की जैकेट पहननी थी। फितूर सवार हो गया दिमाग में, इंडिया की जैकेट पहनूंगा। ओए जी, मैं इंडिया की जैकेट पहनूंगा। चैंपियन मिल्खा सिंह हाजिर हो। थप्पड़ खाया इस चक्कर में, बेइज्जती सही इस चक्कर में, बाद में कई लोगों ने उनको पीटा भी, घपाओं में घाव हो गए, सबने मना किया, रेस में मत भाग, लेकिन इंडिया की जैकेट, इंडिया की जैकेट। दिमाग में फितूर सवार हो गया, इंडिया की जैकेट चाहिए। त्रासदी ये नहीं कि आप गोल अचीव नहीं कर पाए, आपसे बात कर रहा हूं। आपकी जिंदगी की त्रासदी ये नहीं है कि आप गोल नहीं अचीव कर पाए, आपकी जिंदगी की त्रासदी तो यह है कि आप कभी गोल ही नहीं बना पाए। सरदार मिल्खा सिंह हर बार जीते थे क्योंकि दिमाग में गोल क्लियर हो गया था। तीसरी बार फिर रेस कब जीते वो जानते हैं? पाकिस्तान में हरा करके आए थे रेस वो। वो क्यों जीते जानते हैं? 45.9 का गोल उनके कोच ने उनको लिख के दे दिया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि बेइज्जती करा के आए थे, वहां हार गए थे वो रेस में। उस हार के बाद 45.9 दिमाग में छाप लिया कोच ने, कागज पे लिख के दे दिया एयर इंडिया के 45.9। गुरु नानक देव जी के नीचे चरणों में लिख के रख दिया 45.9। अब कुछ नहीं दिख रहा आसपास, और क्या हो रहा है आसपास? पहाड़ों पे गए प्रैक्टिस करने के लिए, वो प्रैक्टिस करी, कोच ने पीट पीट के प्रैक्टिस कराई, लेट गया नीचे, खून निकल आया मुंह से, भाग भाग के उठ नहीं सकता था। सरदार मिल्खा सिंह का कोच बोला, वापिस कर मेरे को, अब मुझे वो पेपर वापिस चाहिए। आई वांट दैट पेपर बैक। फिर खड़ा हुआ, तू है आग मिल्खा, भाग मिल्खा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपका 45.9 क्या है? इस वीडियो को ऐसे नहीं सुनना, लिखो अभी लिखो, ये आपसे बोल रहा हूं आपसे। फायदा नहीं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? अगर अपना 45.9 डिसाइड नहीं किया, मेरा अपना डिसाइड हो चुका है, मैं कर चुका हूं। आपसे पूछ रहा हूं, कैसे अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पार कर गई 8848 की हाइट उसको पार करनी थी, इसका 45.9 सेकंड क्लियर था। आपका गोल क्या है? हर बार वो रेस ऐसे ही जीता। पाकिस्तान में भी जब रेस हरा के आया ना, तो उसके मन में लक्ष्य था कि मेरे नाम पे एक दिन देश में छुट्टी होनी चाहिए। अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया था उसने।